बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई बिलोंग टू लाहौर कैंट पब्लिक हाई स्कूल। आई टीच क्लास 7th सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम। आई स्टार्ट माई लेसन। चैप्टर नंबर 2 ए जियोग्राफी से मुतल्लिक है। वी शैल रीड इन दिस चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोनेंट्स। एटमॉस्फेयर ये जो कुरार्स है इसके बारे में और कंपोनेंट्स इसके अज़ा के बारे में कि ये किन किन हिस्सों से मिलकर बना। तो इसके कंपोनेंट्स में कांस्टेंट गैसेस हैं, वेरिएबल गैसेस हैं, प्लूटेंट्स हैं और वाटर वेपर्स हैं। कांस्टेंट गैसेस में उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वेरिएबल के, प्लूटेंट्स, वाटर वेपर्स। सबसे पहले हम कांस्टेंट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट जैसे कि नाम से जाहिर है ये मुस्तकिल गैसें हैं, ये मुस्तकिल रहती हैं। इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन जो है वो ऐसी गैस है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ों के जलने में भी मदद देती है। नाइट्रोजन गैस जो है ये आग को काबू करने में हमारी मदद देती है। इसी तरह दूसरा इसमें कंपोनेंट्स आ जाता है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल मैंने नायाब जो बहुत कम गैसेस हैं उसमें वेरिएबल गैसेस में कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, आबी बुखारा। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वो जो है कुछ जो है बुखारात की सूरत में ऊपर जाता है, उसको वाटर वेपर्स कहते हैं। एंड ओजोन और ये जो पर्दा है आसपास हमारी फ़जा में उसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, दिस गैस इज इम्पॉर्टेंट रोल, इसका भी जो है कायनात में बहुत अहम किरदार है। इसके बाद ओजोन है, ये जो है तकरीबन 17 to 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती प्लूटेंट्स, आबी आलूदगी के ज़राए हैं। अब ये जो है इसकी वजह से हमें बहुत से नुकसान भी हो सकते हैं, बीमारियां भी आती हैं। वाटर वेपर्स है, आबी बुखारात हैं। इसी तरह आ जाता है डिफरेंस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। पहले वो उसके अज़ा के बारे में बताया था कि ये ओजोन कैसे बना है एटमॉस्फेयर। अब इसकी लेयर्स के बारे में बताएंगे। ये पेज 14 बुक में आप देखेंगे, उसमें ये इसको पिक्चर से शो किया हुआ है। इसके पांच, तकरीबन पांच हिस्से हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये तकरीबन 16 किलोमीटर अबव है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, ये तकरीबन 60 किलोमीटर से अबव 50 किलोमीटर्स तक है। तीसरा हिस्सा है उसको हम मेसोस्फेयर कहते हैं, ये 50 to 80 तक है, फाइनल हिस्सा। अब इसके बाद थर्मोस्फेयर्स हैं। थर्मोस्फेयर द सन थर्मोस्फेयर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर डायरेक्टली अबव द 80 किलोमीटर्स एक्सटेंड टू लास्ट बाउंड्रीज ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आखिरियत तक जाती। अब अगली नेक्स्ट टॉपिक जो इसी में हमारा है वो हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। यू शुड नो व्हाट इज वेदर। आई ब्रीफ इट। नंबर एक, वेदर कंडीशंस ऑफ द होल ईयर्स, क्लाइमेट्स। फिर इसमें आ जाता है जिसको आबोहवा कहते हैं, एवरेज वेदर कंडीशन को हम क्लाइमेट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि काजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट्स चेंज, ये जो हमारी आबोहवा है इसमें तब्दीलियां कैसे आती हैं।
उसमें वोल्केनिज्म सबसे बड़ी काज है। ये वोल्केनिज्म के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, आइस एजिस, बर्फ के बड़े बड़े तोदे हैं, ग्लेशियर हैं, उनकी वजह से, और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसकी वजह से भी इस पे असरात पड़ते हैं। अब अगली स्टेप हमारा है काजेज ऑफ ओजोन रिफ्लेक्शंस। ये ओजोन जो हमारा पर्दा है ये पतला कैसे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर ये पतला हो जाए तो हमें इससे बड़ा नुकसान होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज है एक गैस है जिसका नाम है सीएफसी गैस। ये जो है हमारे इस पर्दे को जो है कमजोर कर देती है, और इसी यही गैस है जो हमारे रेफ्रिजरेटर में चीजों को ठंडा रखती है, और बहुत सी रेज है उनको भी ये जो है काबले बर्दाश्त रखती है। अब हम इसकी पुमाइश, इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो सीएफसी गैस जो है इसकी जगह जो है हम एससीएफ जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके नुकसानात कम होते हैं। अब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो टेम्परेचर है इसकी हम पैमाइश दो स्केल के जरिए करते हैं, एक सेल्सियस स्केल्स है, एक फारेनहाइट स्केल्स है, और फिर ये जो टेम्परेचर है वर्टिकली भी यानी ऊपर से नीचे, और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर दाएं से बाएं, ये हमें इसी के जरिए पता चलता है। और फिर ये जो ओजोन है इसकी भी आगे तहें बनी हुई हैं, पहली है ट्रॉपिकल ओजोन, फिर उसके बाद टेम्परेट ओजोन, जोन ये मोतदिल है, ना ज्यादा गर्मी ना सर्दी, टॉरिड जोन्स। अब इसमें फैक्टर इन्फ्लुएंस हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वो कौन से फैक्टर हैं जो ये जो दर्जा हरारत है इस पर असरअंदाज होते हैं, वाटर एंड ड्राउट, पानी है, इसमें बारिश है, ओले हैं, सन रेज है, सूरज की रोशनी है, विंड्स हैं, सी करंट्स हैं, हवाएं हैं, समंदर की लहरें हैं, कोस्टल यानी साहली इलाके हैं, क्लाउडी एरियाज हैं, ऐसे इलाके जहाँ बादल छाए रहते हैं, ये सारी, फिर इसी तरह आइसोबार है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, इसको हम बैरोमीटर के जरिए इसको की पैमाइश करते हैं। अगला जो स्टेप है रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, दोनों के बारे में आपस में यानी क्या इनमें ताल्लुक है। एक एयर प्रेशर बेल्ट है ऑन द ग्लोब, तो इसके अगर हवा इसके अंदर रहे तो लोगों को फायदा भी होता है, अगर इससे बाहर निकल जाए तो नुकसान हो जाए। इसी तरह इक्वेटोरियल बेल्ट्स एंड लो प्रेशर, ये इक्वेटोरियल बेल्ट्स जो है यहाँ पर दबाव ज़रा कम हो जाता है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स हाई प्रेशर, यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट्स है, बेल्ट मीन यहाँ पर इससे मुराद पट्टी ली जाती है, एक पट्टी है, एक हद है, यहाँ पर हाई प्रेशर यानी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। फिर इसी तरह सब पोलर बेल्ट्स और लो प्रेशर, पोलर यानी कुतुब नमा है, कोने हैं, जैसे साउथ नॉर्थ, पोलर बेल्ट्स ऑफ हाई प्रेशर, विंड सिस्टम आ जाता है हवाओं के बारे में, इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं, परमानेंट विंड्स, एक है ऐसी मुस्तकिल हवाएं चलती हैं। दीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, ईस्टर्न विंड्स ऐसी हवाएं जो मशरिक की तरफ चलती हैं, वेस्टर्न विंड्स मगरिब की तरफ चलती हैं, पोलर विंड्स जो कुतुब नमा की तरफ चलती हैं, नॉर्थ साउथ वगैरह की तरफ, सीजनल विंड्स, सीजनल विंड्स इनका कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए, फिर
मामूल से ज़्यादा बारिशें भी हो जाती हैं। फिर लोकल्स विंड्स हैं, मसल लाहौर है इससे मुतल्लिक है, फैसलाबाद है इससे मुतल्लिक, जो विंड्स होंगी इनको हम यानी जो है मुकामी। साइक्लोन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ये भी एक चक्कर होता है तो ये भी यहाँ पर चलता रहता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। फिर इसी तरह टेम्परेट, एक ख़ास किस्म का है, एक टेम्परेट है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। टोर्नेडोस, ये तूफ़ान वगैरह के बारे में जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं वो हम इसमें हमें पता चलता है, बादल जो है एक बादल की जो टाइप्स है उसको लो लेवल क्लाउड्स कहते हैं। ये 2000 मीटर तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी तक होता है। एक मिड लेवल क्लाउड्स है, ये 2000 to 60 मीटर की बुलंदी पर होता है। हाई लेवल क्लाउड्स ये 60,000 से अबव होते हैं। वर्टिकली जो है ड्वेल्व क्लाउड्स, इसके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद ये बताया जाएगा पर्सिकेशंस एंड इट्स टाइप्स। ये रात के वक्त जो ओस पड़ती है जिसको हम शबनम भी कहते हैं, उसकी टाइप्स के बारे में इस चैप्टर में है। उसमें सबसे बड़ी टाइप्स है रेनफॉल, बारिश का होना, उसमें एक है ऑर्गेनिक रेनफॉल है। फिर उसके बाद कॉन्सेंशल रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल है, ये सारी बारिश की किस्में हैं। तो बारिश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं, ये जितनी चीज़ें हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, नुकसानदेह भी हैं। तो ये जो ओस होती है ये हमारे लिए ताज़ा पानी जो है मुहैया करती है, इसके हमें फ़ायदे भी हैं कुछ नुकसानात भी हैं। तो ये चैप्टर जो था इसमें, ये जो चैप्टर नंबर यानी ये जो चैप्टर नंबर था एटमॉस्फेरिक्स, एटमॉस्फेयर एंड इस कंपोनेंट्स, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया।